हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी, एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 द ग्रीडी डॉग। स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 द ग्रीडी डॉग का ये हमारा लेक्चर 1 है। लास्ट लेक्चर में हम सभी ने चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया था, एंड आई होप आप सभी चैप्टर 11 की लेफ्ट एक्सरसाइजेस को होमवर्क से कंप्लीट करके लाए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 12 द ग्रीडी डॉग, जो कि आप सभी के बुक्स में पेज नंबर 72 पर गिवन है। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 72 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 72 पर हेडिंग मिल गई होगी, चैप्टर 12 अ ग्रीडी डॉग, द ग्रीडी डॉग, राइट स्टूडेंट्स? चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बट स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर की लेट्स बिगिन एक्टिविटी को देख लेते हैं। सो लेट्स बिगिन एक्टिविटी में हमें दिया गया है दैट वी कैन एट्रीब्यूट सम क्वालिटीज टू सम एनिमल्स, चूज एंड राइट द क्वालिटीज दैट यू फाइंड बी फिटिंग फॉर दीज एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की, और ऊपर एक हेल्प बॉक्स दिया है जिसमें उनकी क्वालिटीज मेंशन है। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको अलग अलग एनिमल्स को उनकी क्वालिटीज़ देनी है कि कौन से एनिमल में कौन सी क्वालिटी ज़्यादा होती है। जैसे स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट है स्ट्रांग। सो यहाँ पर स्ट्रांग सबसे ज़्यादा आपको कौन सा एनिमल लग रहा है बताइए। सो गिवन एनिमल्स में स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग है वो कौन है, वो है हॉर्स। इसलिए आप हॉर्स की वो क्वालिटी दे देंगे स्ट्रांग, या आप मैच भी कर सकते हैं स्ट्रांग को हॉर्स से। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स लंबा। सो यहाँ पर सबसे लंबा कौन है स्टूडेंट्स बताइए, सबसे लंबा कौन है? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सबसे लंबा है वो है कैमल। तो इसलिए आप कैमल को मैच करा देंगे किससे? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे जो लॉन्ग है वो है स्नेक। स्नेक सबसे लंबा है यहाँ पर, इसलिए आप स्नेक को मैच कराएंगे लॉन्ग से। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप बाकी एनिमल्स को भी ये डिफरेंट क्वालिटीज दे देंगे। सो इस एक्टिविटी को आप सभी अपने होमवर्क से कंप्लीट करके लाएंगे स्टूडेंट्स। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, चैप्टर 12 द ग्रीडी डॉग। सो स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है द ग्रीडी डॉग। अब ग्रीडी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सो ग्रीडी मीन्स होता है लालची। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या हुआ, एक लालची कुत्ता, द ग्रीडी डॉग। सो यहाँ से हमने सीखा दैट ग्रीडी मीन्स लालची। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। देयर वॉज अ डॉग, वन डे ही वेंट टू अ बचर्स शॉप। सो बहुत समय की बात है, एक डॉग था, एक कुत्ता था, देयर वॉज अ डॉग। वन डे ही वेंट टू अ बचर्स शॉप। सो एक दिन वो कहाँ गया, वो एक दिन कसाई की दुकान पे गया जहाँ पर मीट कटता है। ओके स्टूडेंट्स, सो एक दिन वो जो डॉग है वो बचर शॉप में गया, कसाई खाने में गया। ही गॉट अ बिग पीस ऑफ बोन देयर। सो उसे वहाँ पर क्या मिली, उसे वहाँ पर एक टुकड़ा मिला, एक अच्छा खासा बड़ा टुकड़ा मिला, किसका, हड्डी का। स्टूडेंट्स, बोन मीन्स होता है हड्डी। सो
एक डॉग था जो एक दिन कहाँ गया? बचर शॉप में गया, कसाई खाने में गया, और उसे वहां क्या मिल गया? एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला हड्डी का। He wanted to chew it at rest. So वो चाहता था कि वो उसे आराम से चबा चबा के खाए, बिल्कुल आराम से बैठकर, और तब वो अपना जो वो खाना है, जो वो बोन है, उसे चबा कर खाए, च्यू करे। रेस्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आराम, आराम से, राइट? ही वेंट टूवर्ड्स द ग्रीन फील्ड। तो वो कहाँ को चल दिया? वो चल दिया हरे हरे खेतों में। ही वेंट टूवर्ड्स द ग्रीन फील्ड। वो हरे हरे खेतों की तरफ चल दिया, क्योंकि वो क्या चाहता था? वो अकेले में उसे आराम से बैठ के खाना चाहता था। देयर वॉज अ स्ट्रीम ऑन द वे। और रास्ते में उसे एक स्ट्रीम नजर आती है। स्ट्रीम क्या होती है स्टूडेंट्स? स्ट्रीम मीन्स वाटर का कोई स्रोत, जहाँ से पानी बह रहा हो। अब वो नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, नहर हो सकती है, राइट स्टूडेंट्स? तो जहाँ से वो जा रहा था, तो उसे रास्ते में क्या मिली? रास्ते में एक स्ट्रीम मिली, एक वाटर चैनल मिला। देयर वॉज अ वुडन ब्रिज ऑन इट। और उसने क्या, उस पे क्या था? उस स्ट्रीम पे जो वो पानी जहाँ से बह रहा था, आप नदी मान सकते हैं स्टूडेंट्स, तो जो वो नदी थी, उस नदी के ऊपर एक वुडन ब्रिज, लकड़ी का ब्रिज लगा हुआ था, लकड़ी का पुल बना हुआ था। ब्रिज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पुल। ओके स्टूडेंट्स, तो उस पे पुल बना हुआ था, ब्रिज बना हुआ था। वॉकिंग ऑन इट ही लुक डाउन। तो उस पे चलते हुए, उस पुल पे चलते हुए उसने नीचे की तरफ देख लिया। ही लुक्ड डाउन, उसने कहाँ देखा? नीचे की तरफ। ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वॉटर। तो उसे क्या, उसे अपनी ही इमेज, अपनी ही परछाई क्या हुई, किसमें रिफ्लेक्ट हुई? पानी में दिखाई दी। उसे दिखाई दिया कि उसके ही जैसा डॉगी कहाँ पर है? पानी के अंदर है। सो उसे अपना ही रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई दिया। ही थॉट आहा देयर इज अनदर डॉग इन द वाटर। सो उसे लगता है, अच्छा तो पानी के अंदर एक और डॉग है, एक और कुत्ता है। उसने ये नहीं सोचा कि वो उसका ही रिफ्लेक्शन था, उसने सोचा कि पानी के अंदर तो एक और डॉग है। एंड सी द फन ही टू हैज अ बोन, आई वॉन्ट दैट बोन टू। तो फिर वो कहता है, और देखो कितनी मजे की बात है कि उसके पास भी हड्डी है और मुझे तो इसकी हड्डी चाहिए, मतलब मैं इसकी भी हड्डी चाहता हूँ और मेरे पास तो मेरी है ही। सो वो बहुत खुश हो गया देखते के साथ ही कि पानी में तो एक और डॉगी है, और देखो कितने मजे की बात है कि इसके पास भी बोन है, इसके पास भी हड्डी है और मुझे इसकी बोन भी चाहिए। थिंकिंग दिस ही स्टार्ड एट द रिफ्लेक्शन। सो ये सोचते हुए उसने क्या, रिफ्लेक्शन को घूरना शुरू किया। स्टार मीन्स देखना शुरू किया, घूरना शुरू किया। द रिफ्लेक्शन स्टार्ट बैक एट हिम। और जब उसने रिफ्लेक्शन को घूरना शुरू किया, तो रिफ्लेक्शन ने भी उसको ही घूरना शुरू कर दिया। हाँ, सो रिफ्लेक्शन ने भी उसको ही घूरना स्टार्ट कर दिया। ही इज अ बैड डॉग ही थॉट। तो वो कहता है कि मेरे को लगता है कि ये तो बैड डॉग है, बेकार कुत्ता है। वो सोचता है, खुद ही मन में सोचता है, क्योंकि जब उसने रिफ्लेक्शन को घूरा तो रिफ्लेक्शन ने उसको घूरा, तो उसको लगा कि ये तो बदमाश कुत्ता है, गंदा कुत्ता है। हाउ डेयर ही स्टेयर एट मी, आई मस्ट टेरिफाई हिम। सो फिर वो कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से घूरने की, मुझे इसे डराना पड़ेगा। ऐसा कौन सोच रहा है? वो डॉग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वर्ड है डेयर, डेयर मीन्स होता है हिम्मत। राइट स्टूडेंट्स, डेयर मीन्स हिम्मत। सो हाउ डेयर ही स्टेयर एट मी, आई मस्ट टेरिफाई हिम। कि इसकी कैसे हिम्मत हुई मुझे इस तरीके से घूरने की, मुझे इसे डराना पड़ेगा। टेरिफाई मीन्स डराना।
ओके स्टूडेंट्स, टेरिफाई मीन्स डराना। सो द डॉग ओपन हिज माउथ टू बार्क। सो उस डॉग ने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला। बार्क मीन्स होता है भौंकना। सो उस कुत्ते ने क्या किया, भौंकने के लिए अपना मुंह जैसे ही खोला, हार्डली हैड ही ओपन्ड हिज माउथ देन द पीस ऑफ बोन फेल डाउन। और जैसे ही उसका मुंह खुला, उसके मुंह में जो उसने बोन फसाई हुई थी, जो हड्डी फसाई हुई थी, वो कहाँ गिर गई, पानी में गिर गई। विद द स्प्लैश इन द वॉटर ही कुड नॉट सी हिज रिफ्लेक्शन। और जैसे ही वो बोन पानी में गिरी तो रिफ्लेक्शन मिट गया। उस स्प्लैश की वजह से, उस शोर की वजह से, जब पानी में हम कुछ डालते हैं तो पानी स्टेबल नहीं रहता है, वो पानी स्टेबल नहीं रहता है तो उसमें हमें अपनी इमेज कैसे दिखाई देगी। वैसे ही उस डॉग के साथ हुआ, जैसे ही उसने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला, अपना माउथ खोला, वो जो बोन उसके मुंह में फंसी थी वो गिर गई पानी में। और पानी में गिरने की वजह से स्टूडेंट्स उसका रिफ्लेक्शन भी दिखना बंद हो गया। ही वॉक्ड बैक थिंकिंग सैडली दैट डॉग वैनिश्ड विद माई बोन टू। तो वो ये सोचता हुआ वापस चला गया कि वो तो सोच रहा था कि वो उस रिफ्लेक्शन वाले डॉग की भी बोन को खाएगा, लेकिन वो रिफ्लेक्शन वाला डॉग ही उसकी बोन को लेके चला गया, ऐसा उस डॉग को लग रहा था। द डॉग वॉज ग्रीडी ही वॉज फुलिश टू। तो डॉग जो है वो लालची तो था ही, लेकिन वो फुलिश भी था। फुलिश मीन्स बेवकूफ। बेवकूफ। ओके स्टूडेंट्स, सो वो डॉग जो था वो फुलिश तो, वो ग्रेडी तो था ही, लालची तो था ही, लेकिन वो बेवकूफ भी था। ओके, चैप्टर फिनिश हो जाता है स्टूडेंट्स। चलिए तो एक बार रीड कर लेते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमने इस चैप्टर से सीखे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला वर्ड, पहला डिफिकल्ट वर्ड जो हमने इस चैप्टर में सीखा वो था ग्रीडी। एंड ग्रीडी मीन्स क्या होता है, ग्रीडी मीन्स लालची, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज बोन। बोन मीन्स हड्डी। बोन मीन्स स्टूडेंट्स हड्डी। नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज मीन्स होता है पुल, जिसकी मदद से हम किसी भी रिवर को क्रॉस कर सकते हैं, तो ब्रिज मीन्स पुल। आगे डेयर। डेयर मीन्स होता है स्टूडेंट्स हिम्मत। डेयर मीन्स हिम्मत। नेक्स्ट है टेरिफाई। टेरिफाई मीन्स डराना। टेरिफाई मीन्स स्टूडेंट्स डराना। नेक्स्ट इज बार्क। बार्क मीन्स होता है भौंकना। बार्क मीन्स भौंकना। एंड लास्ट वन इज फुलिश विच मीन्स बेवकूफ। फुलिश मीन्स बेवकूफ। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये डिफिकल्ट वर्ड्स तो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम वो डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे जो हमें बुक में गिवन है। चलिए तो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट वर्ड्स में जो हमारा फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है वो है चीव। चीव मीन्स होता है स्टूडेंट चबाना, खाने को चबाना, और यू कैन से टू बाइट फूड।
टू बाइट फूड। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड वर्ड पर स्टूडेंट्स, जो कि है स्ट्रीम। एंड स्ट्रीम मीन्स अ वाटर चैनल। एस टी आर ई एम विच मीन्स अ वाटर चैनल। A water channel. Third word, that is wooden. Wooden means जो लकड़ी का बना हो, made from wood. Wooden means made from wood. Right students? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे next word पर, that is reflection. And reflection means, students, an image. Right, students? Reflection means an image. Now, next. Next is stare. Stare means घूर के देखना. To look sharply. To look sharply. Right, students? Stare means to look sharply. Next is splash. Splash means होता है something hitting liquid. जब कुछ liquid में जाके गिरे, so उसे हम बोलते हैं splash. Something hitting liquid. Right, students? अब आगे बढ़ते हैं सेवेंथ वर्ड पर, दैट इज सैडली. सैडली मीन्स उदास, अनहैप्पीली. Unhappily. And last one is vanish, which means gayab, या you can say disappear.
एंड इसी के साथ स्टूडेंट्स, ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आप सभी को इस चैप्टर की स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी, साथ ही साथ ये डिफिकल्ट वर्ड्स भी समझ में आए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।